स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी पता आपको पता होना चाहिए वी आर गोइंग टू क्लास स्कूल एंड वी आर टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम देयर आल्सो। तो बट अनफॉर्चुनेटली आपके जिस दिन क्लासेस हैं उस दिन मेरे शेड्यूल में नहीं है, तो आई हैव टू टेक द क्लास फ्रॉम द होम ओनली। बट एक चीज़ बताऊँ कि व्हाट आई फाइंड इन द क्लास इज दैट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स स्टिल दे हैव नॉट ओपन द वीडियोज, and secondly there are some students those who are not sitting properly with their books and copies. abhi bhi wo daud hi rahe hain room mein, kahin wo ghoomte hue mil rahe hain mujhe, koi kahin aur ja raha hai. this is a not, very bad practice. you must check this practice. isko rokna chahiye aapko, hai na? because hame ye 40 minutes ka schedule jo mila hai usi schedule mein padhai ko complete karni hai. see nilesh kumar, himanshu, shashwat, anshuraj, तानिया, केतन, आरव, अजीत कुमार, उज्ज्वल, अतुल देव, नव्य ऋषि, आयुष राज, इनके नाम वो नाम है जिन्होंने अभी भी, हाँ देखो अब ऑन हो रहा है, जिनका जो वेट कर रहे हैं कि मैम मेरा नाम कॉल करे तो मैं वेट वीडियो ऑन करूँ. तो दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस. चेक दिस हैबिट ऑफ योर्स. अपनी इस हैबिट को चेक कर. ओके चलो, सो वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स. हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कर लिया है. वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन आंसर्स रादर, एंड टुडे वी वर सपोज टू डू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इजंट इट? हर्षित रे, हर्षित सिंह, सृष्टि कुमारी, इज इट राइट मैम? बी लाउडर, थोड़ा जोर से बोलेंगे, बी लाउडर. अनमोला ससोनिया, अनम्यूट करो अपने आपको. Yes. अच्छा, दो बच्चों ने हाथ उठाया है, पहले पूछ लेते क्या बात है, व्हाट इज द रीजन. रितिका क्या पूछना है बोलो. ओके, हैंड्स लोअर भी हो गए. एनीवेज, सो टुडे विल डू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. हम लोग अभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन आंसर्स में कोई दिक्कत कहीं पे किसी को हो रही है? Any question left? No. Any question left? No, ma'am. और कोई बच्चा जिसका कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा ही बचा हुआ हो? सबने कर लिया है. आदर्श पाल, आज आप बहुत दिन के बाद ज्वाइन हुए हैं, क्यों बेटा, कहाँ थे आप? आदर्श पाल, he left the class. क्या आप लोगों को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? No ma'am. No ma'am. नहीं. No ma'am. बच्चे लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अनिद्या ने इतना लेट क्लास ज्वाइन किया. अनिद्या, where were you बेटा? I have getting problem, technical issue. Technical issues. हाँ, वही I was searching for you. You're not there in the class. आराध्य वर्मा, कोई प्रॉब्लम हुआ था बेटा ज्वाइन करने में क्लास? यस मैम, यस मैम, कनेक्टिंग लिख के मैम ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, फिर लास्ट में ज्वाइन हुआ. ओके, इसका मतलब कुछ अभी नेट इश्यूज हैं, कुछ नेट इश्यूज है. रौनक कुमार, क्या प्रॉब्लम है बताओ, पहले तुम लोग का प्रॉब्लम ही सुनती हूँ उसके बाद आगे पढ़ाऊंगी. हाँ बेटा, मैम जो आराध्य का प्रॉब्लम था वही मेरा था. ओके, मेरा कनेक्टिंग लिख रहा था, नहीं हो रहा था ना. तान्या कुमारी, तानिया बताइए क्या प्रॉब्लम था? लैपटॉप से जॉइन नहीं हो पा रहा था. लैपटॉप से जॉइन नहीं हो पा रहा था. मैम मैं भी लैपटॉप से ही क्लास कर रही हूँ. नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, किसी किसी की तरफ ना हमारे जो सर्वर है ना वो अलग अलग एरिया में कुछ के नेट इश्यूज हो सकते हैं. आई डोंट हैव मच ऑफ द आइडिया अबाउट दिस, बट ये मैंने भी देखा है कि जिस नेट से मैं अभी ज्वाइन करी हूँ घर के हो जाते हैं, बट स्कूल में वही नेट काम नहीं करता, तो हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. एनीवेज, चलो, वी हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास. चलो हम लोग क्लास शुरू करेंगे. हम लोगों ने जस्ट कहाँ चला गया? अच्छा, आप लोगों ने क्लास में एक मिनट चलो
हम लोग अभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? किसी की तरफ से आवाज आ रही है? करण आपकी तरफ क्लास चल रहा है, विनीता मैम का शायद, आप वीडियो को थोड़ा सा म्यूट करो। हाँ अच्छा ठीक, मुझे बताएंगे कि क्या आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? आज कुछ नेट इश्यूज है, पता नहीं स्क्रीन नहीं आ रहा है, दिख रहा है? आराध्या स्क्रीन दिख रहा है बेटा? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, कुछ प्रॉब्लम आया है बेटा। ओके ओके चलो, अब आ गया आपको, यहाँ ये ओपन ही नहीं हो रहा था सिग्नल लॉन्ग टाइम। ओके नाउ अब आपको दिखेगा, नाउ कैन यू सी दिस? अश्की दिख रहा है? अनामिका सिन्हा स्टार्ट, यस मैम नाउ दिख रहा है ना? यस मैम। चलो पहले बेस क्वेश्चंस हम लोग कर रहा था, यही छूटा हुआ पहले ये कर लेते हैं हम लोग आगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद कल हम लोग कल नहीं, कल तो हमारा क्लास नहीं है आपके साथ, मंडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। कॉपीज निकालो। अनिद्या आर यू अपसेट टुडे? ऐसा लग रहा है कि बहुत अपसेट अपसेट हो, क्या हो गया? डांट पड़ी है क्या घर में मम्मा से? लगता कुछ ऐसा ही है। अच्छा मैं बता दूं, बच्चे लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, यू हैव टू ड्रॉ दिस फूड चेन एंड फूड वेब इन योर कॉपी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोला जाता है व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन इन हाफ ईयरली और एनुअल, यू गेट दिस फूड चेन, टू ड्रॉ दिस फूड चेन, तो आपको ये फूड चेन को ड्रॉ करना ही है अपने कॉपी में। ड्रॉ दिस फूड चेन इन योर कॉपी एंड अलॉन्ग विद दैट ड्रॉ दिस फूड वेब ऑल्सो इन योर कॉपी। इफ यू वॉन्ट यू कैन कलर इट कलरफुली, इट्स अप टू यू, आप इसको कलर भी कर सकते हैं, जिसको मन करे वो कलर भी कर सकता है, बट फूड चेन इज अ मस्ट एंड फूड वेब। ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ओके चलो आद्या, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5, क्या कोई आद्या मेरी क्लास में है? नहीं है। ओके आद्या स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 5 हैड अ सीनियर लेडी मैडम मेहानी एज अ न्यू नेबर। आद्या क्लास 5 की बच्ची है और एक सीनियर लेडी है मैडम मेहानी जो उसकी नेबर बन के आई है। शी हैज अ यंग पपी एज हर पेट, उसके पास एक यंग पपी एज अ पेट है। Adya noticed that Rashi, her helping hand, would take care of the puppy. Adya ने देखा कि राशि जो उसके घर में काम करने वाली है, helping hand है, वो उसका देखभाल, उस puppy का देखभाल करता है। ठीक है। She would take it for a walk in the morning, again in the evening. She would feed it properly food at regular intervals. वो देखती है कि राशि जो है उसको time to time खाना देती है, morning में walk के लिए ले आती है, इवनिंग में वॉक के लिए लेके जाती है। आद्या सून बिकेम फ्रेंड्स विद बोथ पपी एंड राशि। जिनको पेट्स पेट्स पसंद होते हैं ना, वो जनरली पसंद करते हैं
दोस्ती करना। तो राशि को भी पेट्स पसंद थे तो वो जल्दी जल्दी खूब जल्दी से दोस्ती कर लेती राशि के साथ और आद्या राशि के साथ भी और उसके पपी के साथ। इवन शी वुड हेल्प द सीनियर लेडी टू एक्सटेंड शी कुड। तो दोस्ती कैसे बढ़ेगी, उनके घर के जो नेबर हैं मेन जो नेबर है उससे भी दोस्ती कर लेती है, उनको कुछ जरूरत होता है तो उनके घर पहुंचा देती है ना। कभी करते हैं अपने नेबर से कुछ मदद, करते हैं? यस मैम। मतलब बगल वाली आंटी आपके घर में रहती है, बगल में जो रहती है, कभी उसने कहा कि ऐसा है कि मुझे ये चीज चाहिए, या फिर मेरे कपड़े छत पे हैं बेटा थोड़ा सा ला दोगे, या मेरा पेट है थोड़ा घुमा दोगे, ऐसा होता है? कर देते हैं हम लोग। हाँ। After some days, Rashi had to go on leave as she urgently needed at her home. कुछ दिनों के बाद राशि को अपने घर जाना पड़ा। ठीक है, अब राशि को अपने घर चले जाना पड़ेगा। अब राशि जब चली जाएगी तो पेट को कौन घुमाएगा, उसके घर में कुछ काम था, अर्जेंट काम के लिए उसे बुलाया गया। अब तो आद्या की खुशी का ठिकाना नहीं, अब राशि नहीं है, अब वो पेट के साथ वो रेगुलर खेलेगी साथ, और वो बात भी करेगी अपने आंटी से, बगल वाली आंटी से, मैडम मेहानी से, कि भाई मुझे परमिशन दीजिए कि मैं उसको ले, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई है ना। मैडम मेहानी बिकेम लिटिल पैनिकी एज शी वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक अ पपी फॉर दिस वर्क। जैसे ही राशि जाने के लिए बोली, मैडम मेहानी को तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, पैनिक मतलब डर गई, अरे बाप रे अब इस डॉग को लेके सुबह वॉक पे कैसे निकलूंगी। आप देखेंगे आराध्या, आप देख वीडियो ऑन करो, आप देखेंगे जब ऐसा होता है ना कि मेड बाहर जाने वाली होती है तो मम्मी बहुत बहुत घबरा जाती है, अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन। तो सेम थिंग हैपन विद मिसेस मेहानी, बोली अब डॉग को लेके निकलना बड़ा मुश्किल है, जिनके घर में डॉग है वो जानते होंगे कि अगर उसको बांध के भी लेके निकलते हैं तो वो इतना तेज आगे बढ़ता है कि अगला उसके पीछे दौड़ता है ना, जिनका पेट होता है वो दौड़ना पड़ता है, लिटरली दौड़ना पड़ता है। अब मेहानी को तो घबराहट होगी कि अब क्या होगा, शी बिकेम लिटिल पैनिकी कि शी वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतनी मजबूत नहीं थी कि वो डॉग को पकड़ सके, तो बोली अब क्या होगा। आद्या हाउएवर अश्योर्ड हर शी वुड हेल्प हर द नीडफुल एंड हेल्प हर टू बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। आद्या को तो मौका मिल गया, शी वॉज इन लविंग इट, तो उसे तो मौका मिल गया। उसने आद्या ने मिसेस मेहानी से कहा कि घबराने का नहीं है, मैं अपने आपको अश्योर करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना हो पाएगा मैं मदद करूंगी, है ना। ओके, शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू टेक केयर ऑफ द पपी इन द मॉर्निंग एज शी हैड टू गो आउट टू स्कूल। अच्छा, आद्या की सोचो आप ये कि उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने अपने मामा से भी कहा कि मामा मुझे तो सुबह स्कूल जाना होता है, सुबह तुम घुमा दिया करना, शाम को मैं, मतलब उसने कहा कि मैं आप थोड़ा मुझे हेल्प कर दो, है ना। शी सेड दैट हर मदर शी रिक्वेस्टेड हर मदर, मतलब खुद तो करेंगे उनके यहाँ, उसके खुद को घुमाएंगे और मामा से भी काम करवाएंगे। उसने कहा कि उसने मम्मी को रिक्वेस्ट किया, फहद कभी ऐसा किए हो, कभी ऐसा किए हो कि मामा हमको दूसरे घर के डॉग को घुमाने ले चलना है, सुबह तुम घुमा दो शाम को मैं घुमा दूंगी, ऐसा कभी हुआ है? फहद सोच में पड़ गया, क्या बोलूं, हाँ या ना, कभी ऐसा हुआ है फहद? ओके, तो बट हर मदर अप्रिशिएटेड हर हेल्पफुल नेचर एंड हर कंसर्न एंड एम्पैथी फॉर अदर्स। उसकी माँ को बहुत अच्छा लगा, माँ ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, उसने अप्रिशिएट किया, चलो कोई एनिमल को पसंद कर रहा है, उसकी एम्पैथी दे रहा है, इट्स गुड। लेकिन हमारे यहाँ होता तो मेरी मम्मी, हमारी मम्मी बोलती अच्छा मैं चली कुत्ते घुमाने, हाँ जिम्मेदारी तुमने लिया है तुम समझो, है कि नहीं। लेकिन जो डॉग पसंद करते हैं, आपको बताऊँ मेरी एक मासी है, थोड़ा सा घर से अलग की बात करूँ, मैं अभी शेयर करूंगी उनके डॉग्स के पिक्चर, मेरे पास अभी हैं, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, मैं इसको ड्राइव भी देती हूँ, फिर आई विल शो यू। तो शी इज सो फॉन्ड ऑफ डॉग, शी इज सो फॉन्ड ऑफ पेट्स कि उनका जो पेट है इट्स अ स्ट्रे डॉग, मतलब बहुत कोई ब्रीड नहीं है, बहुत हाई फाई ब्रीड नहीं है, नॉर्मल डॉग है, बट शी इज इन लव विद दैट डॉग कि उसे वो रास्ते से लेके आती है, घर में रखी है, बेड पे सुलाती है और पूजा करते वक्त प्रसाद भी खिलाती। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो
एनिमल्स को पसंद करते हैं, जो पेट्स को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ क्या होगा, अरे डॉग है वो, लेकिन इसका इस आद्या भी कुछ उसी कैटेगरी की है, उसे बहुत अच्छा लगा, आद्या की मम्मी ने भी अप्रिशिएट किया, वेरी गुड। ठीक है, तुम मॉर्निंग में घुमाना मत, तुम स्कूल जाना, मैं कर दूंगी। ओके, द मदर एंड डॉटर हेल्प मैडम मेहानी टिल राशि केम बैक। जब तक राशि नहीं आए, राशि के बदले में उनकी मम्मी और आद्या दोनों ने उसे बहुत मदद किया। बोथ मैडम मेहानी एंड राशि थैंक आद्या एंड मदर टू ऑल द हेल्प एंड केयर दे प्रोवाइडेड। मैडम मेहानी और आद्या दोनों ने उनको थैंकफुल थे, दोनों ने थैंक यू कहा कि आपने बहुत मदद किया इस मुसीबत की घड़ी में। द पपी ऑल्सो सीम टू बी थैंकफुल एज ही वैग्ड इट्स टेल एंड प्लेड विद आद्या। सिर्फ दोनों ने थैंक नहीं दिया, इवन राम जो पपी था वो भी अपना पूछ लाते हिलाते उसे थैंक यू बोल रहा था कि तुम मुझे घुमाने ले गई, थैंक यू फॉर दैट, लाइक दैट। पेट्स होते हैं बेटा, पेट्स जो है वो ऐसे होते हैं, अगर आप उनको रेसिप्रोकेट करो ना तो वो भी आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आपने उससे प्यार से बात की तो वो भी आपकी बात को प्यार से सुनेंगे। अच्छा चलो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, बुक निकाली, कॉपी निकाली, सारे बच्चे कॉपी निकालो। तीन क्वेश्चंस हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। एक मिनट, कॉपी निकाल लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Be louder. आने दिया थोड़ा जोर से बोल, तुम्हारी आवाज आजकल नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ। हाँ देखो, यहाँ कुछ फोटोज अपलोड है, देखो। Yes, ma'am. उसे घर वाली फीलिंग दी है ना, उसके ऊपर पंखे लगे हुए, देख लो, दिख रहे हैं? Yes, ma'am, it is very good. देखो ऐसा करते हैं क्या, कौन कौन करता है ऐसा मुझे बताओ, रेज योर हैंड। अदिति सिंह ने हाथ उठाया है, अदिति ऐसा करते हो घर के पेट को अपने घर में एकदम बैठ करते हो? नो मैम। आराध्य वर्मा ऐसा कभी देखा है, किया है? अच्छा एक और पिक्चर आया है, मैं अभी अपलोड ही कर रही थी, देखो दिख रहे हैं? जो पेट्स पसंद करते हैं वो कैसा पसंद करते हैं? Yes, ma'am. नहीं आया ना, मैं एक और दिखाती हूँ यार। हम जो पेट घर में रखें तो वी शुड लव इट, हमें उसे प्यार से रखना चाहिए। तो ये है उसका एक नमूना जो मैंने आपको अभी दिखाया, देखिए ये भी अपलोड हो रहा है तुरंत और आपको दिखेगा, अभी तुरंत आएगा। अच्छा कितने लोगों के पास डॉग एज ए पेट है, कितने लोगों के पास डॉग एज ए, हाँ कुछ लोगों ने हाथ उठाया, रेज योर हैंड जिनके पास डॉग एज ए पेट है। सफी क्या नाम है, शहरयार अनम्यूट करो। यस मैम। है? यस मैम। क्या करते हैं, देखभाल करते हैं बढ़िया से? यस मैम। घुमाने ले आते हो? घुमाने ले आते हो? सुबह शाम दोनों टाइम ले आते हैं। दोनों टाइम ले आते हैं? यस मैम, दोनों टाइम ले जाते हैं, सुबह शाम। सुबह शाम जो ऐसे जैसे राशि लेके देखो, यहाँ हैव अ लुक, देख लो एकदम घर के कॉर्नर में मेन जगह पे मैडम बैठी हुई है, दिख रहे हैं? यस मैम, इट इज विजिबल, थिंक ऑफ इट। तो जो लोग पसंद करते हैं ना, वो देखो उनके लिए ड्रेसेस आता है, कुछ लोग तो अपने डॉगी को वो गर्म कपड़े भी पहनाते हैं, तरह तरह के बेल्ट्स बांधते हैं,
अब उनके लिए वही ऑर्नामेंट्स हैं कि नहीं आदि वर्मा? अच्छा लगता है पेट? डू यू लव पेट्स? मैम आई लव पेट बट आई डोंट हैव. यू लव पेट? यस मैम. आई आल्सो लव. Ma'am, the same situation is with me. हाँ, मुझे भी pet पसंद है, but I don't have, because हम apartment culture में रहते हैं, हर जगह लेके रखना possible नहीं होता, तो हम लोग नहीं रख सकते, है ना? मैम मेरे पास. Yes, ma'am, the same problem. टीका भी लगाया जाता है. Corona का भी टीका लगता है उनको, पता है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it does. We must take care of them. Okay. Again, we are again dealing back to the. ओए ओए ये तो इसी का पोगो का ही फोटो आ रहा है. चलो वापस जाओ पोगो तो अपने घर. चलो. ये विचित्र सा है. इसका नाम है पोगो. Where will it go? Okay, question answers देखना है ना. अच्छा मैं क्यों white board पे आती हूँ. चलो. White board use करेंगे अभी हम लोग. मुझे आनिध्या और आराध्या वर्मा हेल्प करेगी क्वेश्चन के लिए. ठीक है? ओके मैम. फटाफट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. क्वेश्चन को कंप्लीट करके सिर्फ आंसर्स लिख लेंगे हम लोग. ओके ओके मैम. क्वेश्चन पढ़ो बेटा आनिध्या. State the values displayed by Adya that you would also like to have. Value based questions. किसी की तरफ से आवाज आ रही है? शायद क्लास चल रहा है. देख लो आवाज कम. State the values displayed by. Displayed. Mam, sound is from Sheheryar Nafees. हाँ, आवाज कम करो Sheheryar. Sheheryar, mute कर लो अपने आप को. Adya, that you would also like to have. चलो आराध्या वर्मा इसका जवाब दो. आराध्या, I want the answer from you. State the value displayed by Adya that you would like to, or you would also like to have. Adya ne kya display kiya? Okay, you are not unmuted. Okay, unmute karo. Yes, ma'am. The value displayed by Adya that she take care of pets and. She's helpful. She helped her, Madam Mehani. She had empathy for others. And ma'am, yes, concern. Ma'am. Yes, concern. Okay. Likhi, answer likho. We take care of pets. Okay. The values. Displayed by Adya. Bache. Values likhte jaiye. Displayed by. Ma'am, values ke baad comma hai question mein. नहीं बेटा यहाँ जरूरत नहीं है. हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्प्लेड बाय. डिस्प्लेड आद्या दैट आई वुड आल्सो लाइक टू हैव. आई वुड आल्सो हैव आर helpful nature and empathy. Yes, ma'am. Towards others. ठीक है. Number two. Have you ever had a chance to help?
to help a senior citizen, share your experience with your classmates. Have you ever had a chance to help a senior citizen? You know what is a senior citizen? No, ma'am. Senior citizen ma'am, I know. Jo buzurg log hote hain. Hai na? Okay, ma'am. Ma'am, question ka meaning kya hai? Have you ever had a chance to help senior citizens? क्या कभी किसी senior citizens के मतलब किसी बुजुर्ग को help करने का मौका मिला है? Share, ma'am. आपको बताऊंगी तो बोलोगे मैम हम लोग तो रोज करते हैं. No, ma'am, कोई नहीं कह सकता. Experience with your classmate. आपके घर के दादा दादी आपके सीनियर सिटीजन ही है क्या? आपके yes, दादी को पिला सकती है? आप पानी लाके नहीं देखते हैं? Everybody does it. हर कोई करता है. तो बेटा हम लोग हमेशा करते हैं. तो लिखिए यस मैम. मुझे लगा बाहर का सिटीजन बोल तो बाहर के भी अगर बाहर में बगल में आपकी नेबर की दादी है अगर उन्होंने कहा कि बेटा मुझे थोड़ा नीचे तक पहुंचा दो लिफ्ट से तो क्या आप नहीं करेंगे? No, ma'am, we will do. Yes, we will do. Many a times I had help. लिखिए. इसलिए एक बार नहीं. Many a times I had helped senior citizen. इसलिए मैंने कहा कि मैं अगर कहूंगी तो आप कहेंगे मैम मुझे तो नहीं पता लेकिन आप सारे बच्चे करते हैं मुझे पता है. Citizens. आप कोई एग्जाम्पल दे दो. Once I helped by giving them water. A सीनियर सिटीजन मान ले कोई रास्ते में हम चल रहे हैं किसी दादाजी को देखा बुजुर्ग से उन्होंने कहा कि मुझे रास्ता क्रॉस करवा दो तो हमने उसको पकड़ के रास्ता क्रॉस करवा दिया. ऐसा बहुत बार होता है ना. कोई आपसे पूछता है आपके दादाजी की उम्र का कोई आपसे पूछता है कि बेटा इसका एड्रेस बताओगे तो क्या नहीं बताते हो? नो मैम बताते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक that a pet is likely to be a good companion? Ma'am, आपका वो टाइम्स का स्पेलिंग गलत हो गया है. किसका बेटा? Ma'am, टाइम्स का. Yes, many times. Yeah, yeah, yeah. Sorry. ठीक है. हाँ बता. And ma'am, citizen. Citizens. Yes. Okay. Do you think pet is likely? Pet is likely to be good companion. For a single citizen. इसका जवाब कोई देगा? A single senior. क्या गुड कंपेनियन है अगर आपके घर में कोई दादा दादी है और पेट है तो क्या उसका कंपेनियन अच्छा होता है? वो होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है? आप देखेंगे दादा दादी के आप लोग स्कूल चले गए दादा दादी के पास रहने वाले कोई नहीं है तो ये दादा दादी क्या करते हैं या बुजुर्ग लोग जो होते हैं ये अपने डॉग के साथ बहुत बिजी होते हैं बहुत अच्छा कंपेनियन है. Yes, a pet can be a good companion. Can be a good companion for ma'am. हाँ बेटा. मुझे एक चीज में कंफ्यूजन होता है टी एच आई एन जी एंड टी एच आई
एंड के क्या मैम थिंग एंड थिंक में कहाँ पे थिंक है नो मैम मुझे उसमें एक बार कंफ्यूजन होता है मैम थिंक मतलब क्या थिंक मतलब सोचना एंड थिंग THING मतलब सामान कोई चीज थिंग और थिंक मतलब सोचना हैव यू एवर थॉट क्या कभी सोचा यस अ पेट कैन बी अ गुड कंपेनियन फॉर सीनियर सिटिजंस बस ये तीन क्वेश्चन था आने दिया यस यस मैम ओके चल मैम अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है कर लीजिए मैं अभी हूँ मैं बस वैसे दो मिनट का समय सिर्फ है आप इसको उतार ले फटाफट हो गया यस मैम आई हैव डन गुड ओके कौशिकी आजकल क्लास में कोई बात नहीं होती आपकी कोई आवाज नहीं आती क्या बात है संचिता कुमारी यस मैम Yes, ma'am. क्या बात है आप लोग कोई आवाज दो चार बच्चे ही सिर्फ बात करते हैं ऐसी बातें नहीं है आप सारे बच्चों को मैं अनम्यूट करने की कोशिश करती हूँ कौशिकी कहाँ हो यस मैम काम कंप्लीट हुआ है आपका यस मैम हाँ प्रियरंजन क्या बोल रहे हो बोलो मैम मेरा थर्ड का लास्ट वाला यस यस पेट वाला मैम यस अ पेट कैन बी अ गुड कंपेनियन फॉर सीनियर सिटीजन लास्ट में सिर्फ यस ही तो लिखना बच्चे यस अ पेट मैम मैं आंसर कंप्लीट नहीं हो पाया ओके मैं स्क्रीन शेयरिंग वापस करूंगी मुझे लगता नहीं वो मुझे मिलेगा क्योंकि वो तो उसमें चला गया है पीडीएफ में कोई बात नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी फिर से किसी को भेज ओके मैम मैम मेरे पास है ओके एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू आस्क मी समथिंग कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लो वी हैव गॉट लास्ट 1 मिनट विद मी दीक्षा आने हाथ उठाए हैं बेटा क्या पूछना बोलो दीक्षा व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेनी थिंग्स मैम एम टी एन टी आई ओ एन ई डी मेक इट फिर से वर्ड लेटर बोलो लेटर्स बोलो एम ए एम एम ई एन टी आई ओ एन ई डी मेंशन एम ई टी आई ओ एन मतलब जिसका जिसको मेंशन किया गया जिसका बताया जिसके बारे में बताया गया है जिसके बारे में बताया गया है मेंशन बिलो इसके बारे में बताया गया शरियान नफीस को क्या पूछना है जल्दी पूछो बस लास्ट मिनट चल रहा है मैम कह रहे हैं जो मैम